हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक आपको हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, ये सारे इस बोर्ड के माध्यम से हमने समझाया। अब आज आप लोगों को ये जितना भी मैंने समझाया उसकी एक समरी, रूल्स क्या क्या होता है थ्रू चार्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं। चार्ट इन डेफिनिट टेंस, इधर कॉलम लिखते हैं टेंस, इधर कॉलम लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, और यहां लिखते हैं मेथड। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो गाइस, ये हो जाएगा वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इत्यादि आता है। ये तो हो गई पहचान। मेथड क्या होता है? अगर ही, सी, इट एक वचन करता के साथ यस या ईयस, उसके साथ साथ अगर आई वी यू दे रहे, आई वी यू दे, इनके साथ यस या यस, ये नहीं लगाते हैं, नॉट यूज, बट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐसा होता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ता था, ती थी, ते थे, ये आता है, यानी कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, इत्यादि आता है। तो इसके साथ क्या करते हैं? एक वचन या बहुवचन, चाहे एक वचन हो या चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लाते हैं, वर्ब
की सेकंड फॉर्म। एक वचन या बहुवचन दोनों के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लाते हैं। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस तो ये हो जाएगा वाक्य के अंत में गा गी गे आता है। वाक्य के अंत में गा गी गे आता है तो इसके साथ आई वी यू दे के साथ सेल, आई और वी के साथ हो जाएगा यहां पर सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां हो गया वी यू दे रहेगा तो क्या करेंगे, वी यू दे इनके साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो गाइस आई वी के साथ सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी यू दे के साथ विल लगाकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो गाइस इस तरह से हमारा रूल्स कंप्लीट हुआ जो कि एक चार्ट के तरह से, इसको आप लोग कहीं कंपरेटिव स्टडी करना रहेगा तीनों टेंस का तो आप एक साथ देख सकते हैं, इसलिए आप लोगों की सुविधा के लिए हमने ये चार्ट सिस्टम में कर दिया है। अब इसके आगे कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है रही है आता है तो उसके लिए आईएनजी का यूज करते हैं, उसे भी मैं रूल्स अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स बताऊंगा। तो गाइस आप लोग इस चैनल को, हमारे ज्ञानेश्वर क्लासेस जो चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दैट ट्रांसलेशन जो आगे हम बताएंगे उसके लिए मिलता रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इन फ्यूचर हम आपको और बहुत सी सारी जानकारियाँ अदर क्लासेस के लिए भी टाइम टू टाइम देंगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर इस ज्ञानेश्वर क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।